Okay, class 10. Today we do probability sum, totally those who are based on cards. Okay, first of all we understand the cards. In cards, there are four pattern of cards: heart, diamond, club and spade. Clear? And each card contain 13. 13, 13, 13. That means heart also contain 13 cards, diamond also contain 13 cards, club 13 and spade 13. That means 13 into 4, it's 52. That means total number of card is 52. Clear? Okay. 13 pattern cards. A, that means is 1 or taking A. S, इसको A भी कहा जाता है और साथ में S भी कहा जाता है. A, C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J for Jack. K for Q for Queen and K for King. Okay. ये सारे फेस कार्ड होते हैं. फेस कार्ड यानी इसमें आप देखिएगा कार्ड्स के ऊपर इनके फेस बने होते हैं. जैक का फेस बना होता है, क्वीन का फेस बना होता है, किंग का फेस बना हुआ था. तो फेस कार्ड कितने होते हैं, क्योंकि एक एक कार्ड कितने होते हैं, एस कितने तरह के होते हैं, चार तरह के. एक हर्ट होता है, एक डायमंड होता है, एक क्लब होता है और एक स्पेड होता है. यानी हर एक कार्ड चार पैटर्न के होते हैं. टू भी कितना होता है, चार होता है. एक हर्ट होता है, एक डायमंड होता है, एक क्लब होता है, एक स्पेड होता है. तो फेस कार्ड कितने होते हैं, जैक फोर पैटर्न के होते हैं, क्वीन फोर पैटर्न्स के होते हैं और क्वीन फोर पैटर्न्स, किंग फोर पैटर्न्स के होते हैं. दैट मीन्स 4 × 3 यानी टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं. ठीक है, तो 52 में से 12 फेस कार्ड हुए. तो नॉन फेस कार्ड यानी इन सब पे फेस नहीं बना होता है, तो कितने कार्ड है, 10. यानी 10 × 4 यानी 40 नॉन फेस कार्ड होते हैं. हम लोग फिर से समझ लेते हैं. टोटल कार्ड्स 52 होते हैं क्योंकि जो 13 कार्ड्स होते हैं, एक एक कार्ड चार पैटर्न के होते हैं. क्या पैटर्न होता है, हर्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड. और ध्यान दीजिएगा, हर्ट और जो डायमंड होता है वो रेड कलर का होता है और जो क्लब और स्पेड होता है वो ब्लैक कलर का होता है. दैट मीन्स ये 13, ये 13. तो इसका मतलब रेड टोटल कितना हो गया, टोटल 26 तो रेड कार्ड होता है और ये 13, ये 13. दैट मीन्स टोटल ब्लैक कार्ड 26 होता है. 26 और 26 यानी 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होता है. 26 में 13 हर्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं. और एक एक कार्ड में कितने पैटर्न के होते हैं, चार. यानी एस कितना तरह का होता है, चार तरह का. एक एस हर्ट होता है, एक एस डायमंड होता है, एक एस क्लब होता है और एक एस स्क्वायर्ड होता है. क्लियर, कार्ड का पैटर्न को अच्छे से समझ लेने के बाद हम लोग सम्स शुरू करते हैं. ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें कई सारे सम्स लिखे हुए हैं. तो 34 का क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ टू ऑफ स्पेड. ओके, टू ऑफ स्पेड लिखा हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जो हम लोग को पता है. और हर क्वेश्चन के हम लोग यही लेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. हमको पता है टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं. क्लियर, उसके बाद बोला टू ऑफ स्पेड. तो देखिए, टू चार तरह के होते हैं लेकिन स्पेड सिर्फ एक ही है. टू का एक हर्ट होता है, टू का एक डायमंड होता है, टू का एक क्लब होता है, टू का एक स्पेड होता है. तो आपसे पूछा कि स्पेड कितने तरह का होता है, यानी 1. ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 1. तो प्रोबेबिलिटी आपका कितना हो जाएगा, 1/52. क्लियर, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जैक. ए जैक, जैक कितने तरह के होते हैं. तो आप देख सकते हैं जैक कितने होंगे, चार जैक होंगे. एक हर्ट जैक, एक डायमंड जैक, एक क्लब जैक और एक स्पेड जैक. तो टोटल चार हो गए. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी, हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं. आप लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम करके लिख लीजिएगा, 4/52. दैट मीन्स 1/13. ओके, उसके 3 नंबर बोला गया है किंग ऑफ रेड कलर. ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर. ओके, रेड कलर का किंग. तो देख सकते हैं किंग चार होते हैं, जिसमें से एक हर्ट होता है, एक डायमंड होता है, एक क्लब होता है और एक स्पेड होता है. लेकिन रेड कलर का किंग बोला, तो दो ठो रेड कलर का किंग होता है, क्योंकि किंग एक हर्ट होता है, किंग और एक डायमंड होता है. तो दो ठो सिर्फ, यानी एक रेड कलर का किंग होता है और एक रेड कलर का मतलब हर्ट होता है और डायमंड होता है, यानी दो ही ठो हुआ. क्योंकि ये सब तो ब्लैक होते हैं, क्लब और स्पेड क्या होता है, ब्लैक कलर के होते हैं. तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है किंग रेड कलर के किंग कितने होते हैं, रेड कलर के किंग दो होते हैं. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 2/52, इट्स 1/26. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ए कलर कार्ड ऑफ डायमंड. ए कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड का पूछा गया कितने कार्ड, डायमंड कितने होते हैं. तो डायमंड देख सकते हैं, डायमंड का पूछा गया डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं. एक एस, एक टू, एक थ्री, एक फोर, एक फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, जैक, क्वीन, किंग. तो डायमंड कितने होते हैं, 13 तरह के होते हैं.
तो इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 13 और टोटल कितना था 52, दैट मीन्स 1/4। ओके, फिर दिया फाइव नंबर में ए किंग और क्वीन, यानी किंग कितने होते हैं 4 और क्वीन कितने होते हैं 4, यानी 4+4 टोटल हो गया 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 8/52, दैट मीन्स 4 2s और 4 13, यानी 2/13। ओके, इतना तक समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसको इरेज करने के क्वेश्चन कई सारे बचे हुए हैं, नोट इट डाउन इतना दूर, क्योंकि ये हम रखना होगा, इससे आपको लोग दिखा के समझाने में ज़्यादा ईजी होगा, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया है ए नॉन फेस कार्ड, ध्यान से क्वेश्चन दीजिए, मतलब फेस कार्ड नहीं होने चाहिए, ए नॉन फेस कार्ड, यानी कार्ड नॉन फेस कार्ड दिखाई दे रहा है, तो नॉन फेस कार्ड हमारे टोटल कितने होते हैं 40, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हर कार्ड बिना फेस के होता है, यानी नॉन फेस होते हैं, और एक ही कार्ड कितने पैटर्न के होते हैं 4 पैटर्न के, दैट मीन्स 10 तरह के कार्ड से, और एक ही कार्ड 4 पैटर्न के होते हैं, दैट मीन्स 10 × 4 = 40, तो टोटल कितना हो जाता है इसका 40 अपॉन 52, दैट मीन्स 10/13। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, ए ब्लैक फेस कार्ड, यानी फेस कार्ड बताइए, तो हमको पता है टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, लेकिन सिर्फ ब्लैक पूछा है, क्योंकि आपको पता है किंग में 4 होते हैं, तो लेकिन 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं, क्वीन में भी 4 होते हैं 2 रेड 2 ब्लैक होते हैं, और जैक में भी 4 होते हैं 2 रेड 2 ब्लैक होते हैं, तो ब्लैक कितने हुए, यहाँ से दो, ब्लैक किसके किसके, क्लब और स्पेड के दो, ये टोटल ब्लैक फेस कार्ड 6 होते हैं, तो ये हो गया 6/52, दैट मीन्स 3 अपॉन 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर एट में लिखा हुआ है ए ब्लैक कार्ड। ओके, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ये रहा ब्लैक कार्ड, टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, क्योंकि ब्लैक कार्ड के लिए फेस नॉन फेस कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ बोला ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, तो लोग डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख देंगे 26/52, इट्स 1/2। क्वेश्चन नंबर नाइन में लिखा गया है ए नॉन एस, इसका मतलब क्या होता है, एस को छोड़ के सब, नॉन एस यानी एस नहीं होना चाहिए, यानी टोटल मेरे 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एस नहीं होना चाहिए, एस के कितने कार्ड होते हैं 4, एक हार्ट, एक डायमंड, एक क्लब और स्पेड, तो 4 हटा दिए, दैट मीन्स 48, नॉन एस कितने होते हैं 48, मैंने एस को छोड़ के कितने कार्ड होते हैं 48, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 48/52, दैट मीन्स 12/13। ओके, 10 नंबर, ए नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, यानी ब्लैक कलर वाले नॉन फेस कार्ड, ब्लैक जैसे यहाँ पे था ए नॉन फेस कार्ड, यानी नॉन फेस कार्ड, अब नॉन फेस कार्ड सिर्फ ब्लैक कलर के, तो हमको पता है टोटल होते हैं नॉन फेस कार्ड 40, लेकिन ब्लैक कलर के कितने होंगे, क्योंकि एक एक कार्ड 2 2 पैटर्न के होते हैं, तो 2 2 करके 10 तक आएंगे, ठीक है, अगेन आई रिपीट, ये सारे क्या है नॉन फेस कार्ड, लेकिन नॉन फेस कार्ड एक एक कार्ड कितने तरह 4 तरह के होते हैं, इसलिए 10 4 40, लेकिन इसमें 2 2 रेड होते हैं 2 2 ब्लैक होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाए 10 कार्ड है, और एक एक कार्ड कितने कितने पैटर्न में ब्लैक होते हैं, एक क्लब और एक स्पेड, दैट मीन्स ये 20 हो गया। फिर से हम रिपीट करें क्वेश्चन, बोला गया है नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, तो नॉन फेस कार्ड तो 40 होते हैं, क्योंकि उसमें रेड भी होते हैं और ब्लैक भी होते हैं, लेकिन ब्लैक वाला कितने होते हैं 2 हर्ट, रेड करके होते हैं 2 ब्लैक करके होते हैं, तो ये कितने करके हैं 1 से लेकर 10 तक, तो एक एक कार्ड में कितने ब्लैक होते हैं 2 2 ब्लैक होते हैं, क्लब और स्पेड, दैट मीन्स एक कार्ड में अगर 2 हुए तो 10 कार्ड में 10 × 20, तो ये हो गया 20, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 20/52, दैट मीन्स 4 5
अरे 4 13 5/13 ओके इतना तक नोट कर लीजिए। अभी और क्वेश्चन से पड़े हुए हैं। ओके उसके बाद लिखा हुआ है इसमें 11 नंबर में नीदर अ स्पेड नॉर अ जैक, यानी स्पेड नहीं होना चाहिए और जैक नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, हाँ ये लिखा हुआ है नीदर अ स्पेड नॉर अ जैक, यानी इन लोग को हटा के। तो स्पेड कितने होते हैं? 13 तरीके के होते हैं। 13 तरीके स्पेड होते हैं क्योंकि एक एक कार्ड 13 तरीके के होते हैं, 13 तरह के स्पेड होते हैं। और जैक कितने तरह के? 4 होते हैं। तो जैक जब 4 होते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैक जब 4 होते हैं तो एक जैक हर्ट होता है, एक जैक डायमंड होता है, एक जैक क्लब होता है और एक जैक स्पेड होता है, होता है। तो ऑलरेडी स्पेड को जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो इसमें 13 ये पूरा 13 ये कवर हो चुका हुआ था, ठीक है। तो मेरा स्पेड का हो गया 13 और फिर बोला जैक भी नहीं होना चाहिए, तो जैक जो 4 होते थे 4 ही लिखेंगे 3, क्योंकि ऑलरेडी स्पेड में कैलकुलेट हो चुका हुआ है। तो 3 दैट मीन्स 13 + 3 यानी 16, ये 16 कार्ड को हटा के, तो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं उसमें 16 कार्ड हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 36 कार्ड हो जाएगा, यानी हो गया 36 कार्ड, यानी नीदर अ स्पेड नॉर अ जैक, यानी स्पेड और जैक को हटाने के बाद कितने कार्ड हो जाते हैं? 36 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका? 36/52, 4 9s are 13, आंसर इज 9/13। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है नीदर अ हर्ट नॉर अ रेड किंग। तो पहले हम लोग हर्ट हटाते हैं, हर्ट का 13 हटा देंगे। ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन बोला गया है, बोला गया हर्ट नहीं होना चाहिए। तो हर्ट के कितने कार्ड होते हैं? टोटल हर्ट के 13 कार्ड होते हैं। उसके बाद बोला गया रेड कलर का किंग भी होना चाहिए। तो किंग कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। ओके लेकिन ये तो दो रेड होते हैं और ये तो ब्लैक होते हैं। तो आपको बोला है कि नीदर अ हर्ट, पहले हर्ट 13 तो हर्ट हम हटा दे रहे हैं, क्लियर। 13 हर्ट हटा तो ये भी इसमें से हट जा रहा है। साथ ही साथ बोला है कि रेड किंग नहीं होना चाहिए, तो ये भी तो रेड कलर का है, ये ब्लैक कलर के बारे में नहीं बोला, रेड कलर के बारे में बोला है। तो टोटल हर्ट हो गया 13 और प्लस ये एक कार्ड यानी 14, यानी 14 कार्ड नीदर नहीं होना चाहिए। तो 52 में से 14 कार्ड नहीं होना चाहिए तो हो जाएगा 38 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 38/52 दैट मीन्स 19/26। ओके नोट कीजिए इसको। ओके अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर, एक लास्ट पैटर्न जो क्वेश्चन बचा हुआ वो है कॉइन्स के ऊपर, हमने सारा क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है टू डिफरेंट कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ओके प्रोबेबिलिटी किसका किसका निकालने के लिए बोला गया है? टू टेल्स का। फिर प्रोबेबिलिटी किसका निकालने बोला गया? वन टेल का। फिर प्रोबेबिलिटी किसका निकालने के लिए कहा गया? नो टेल। फिर कहा गया है टू टेल, वन टेल, नो टेल, एटमोस्ट वन टेल। तो लोग क्वेश्चन पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं टू डिफरेंट कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, तो दो डिफरेंट कॉइन को टॉस कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी मेरा क्या आ सकता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल और हेड हेड, ये हो सकते हैं। यानी टोटल कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बोला गया टू टेल, यानी एग्जैक्ट दो ही टेल आना चाहिए। तो दो टेल कितने बार में आ रहे हैं? यानी एक बार ही, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/4।
क्वेश्चन नंबर टू के लिए वन टेल यानी एक टेल, एक ही टेल होना चाहिए, तो इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू टू दिखाई दे रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। थर्ड नंबर क्वेश्चन है नो टेल, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए, तो कोई भी टेल सिर्फ इसी में नहीं है, दिखाई दे रहा है ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 1 यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4। और लास्ट में बोला गया एटमोस्ट वन टेल, एटमोस्ट वन टेल मतलब कम से कम, एटलीस्ट का मतलब एटमोस्ट का मतलब कहता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, उससे ज़्यादा हो सकता है, और एटमोस्ट का मतलब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट है एक टेल, उसके नीचे जीरो टेल हो सकता है। तो इसका हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपको बोला ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेल होगा, एक टेल होगा, यानी ये चलेगा क्योंकि इसमें एक टेल है, ये चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें दो टेल है, लेकिन ये चलेगा क्योंकि एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो सकता है, लेकिन नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हार्डली क्या होगा कि कोई भी वन हाइएस्ट है, वन से कम होना चाहिए, तो वन से कम इसमें जीरो हो गया, यानी टोटल कितना हो गया मेरा 1, 2, 3, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये वन से ज़्यादा हो जाता, तो 1, 2, 3, तो ये हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 3/4। ओके, नोट इट डाउन।